हिमाचल प्रदेश में विकराल रूप धारण किए कोरोना वायरस के चलते चंबा जिला के तहत डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस वरिष्ठ विधायिका आशा कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोरोना वायरस के चलते जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहां पर भी विपक्ष के विधायकों को नहीं बुलाया जा रहा है। उनका आरोप है कि इस संकट की घड़ी में कांग्रेस कोई राजनीति नहीं करना चाहती है, परंतु यदि ऐसे दौरों पर मुख्यमंत्री आते हैं तो उन्हें तथा स्थानीय प्रशासन को विपक्ष के विधायकों को भी आमंत्रित करना चाहिए ताकि वह सुचारू सुझाव सरकार को दे सके, ताकि सरकार उन सुझावों को ध्यान में रखकर जनता के लिए अधिक सकारात्मक कार्य करें। परंतु देखा यह जा रहा है कि विपक्षी दल अथवा कांग्रेस के स्थानीय विधायकों को मुख्यमंत्री के दौरे की सूचना तक नहीं दी जाती तथा मुख्यमंत्री उन क्षेत्रों में जाकर महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठकें कर निर्णय लेकर चले जाते हैं तथा स्थानीय विधायकों को इसकी जानकारी तक नहीं मिल पाती। प्रदेश में बिगड़ते हालातों को देखते हुए जब आशा कुमारी से पूछा गया कि सर्वदलीय बैठक में क्या विपक्ष लॉकडाउन की सरकार से मांग करेगा तो उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला लेना मुख्यमंत्री का कार्यक्षेत्र है तथा प्रदेश सरकार ही इसमें कोई अंतिम फैसला लेगी। पीएलटीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।